फेक डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, उस बंदे का वीजा लग के रिजेक्ट हो गया, जो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का भी हो, उस बंदे को अब फी भी रिफंड नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आनी वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार हम लोग जब भी अपना प्रोसेस शुरू करते हैं ना, यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, तो ऑब्वियसली हमारा कंसर्न होता है कि यार स्टडी के साथ साथ हम पैसे भी कमाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो यार मेन चीज़ आपकी क्या होते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्स, आपकी स्टडीज़ जो आपने प्रीवियस की होती है। उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, या फेक बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं कि अहमद भाई वीज़ा रेशो क्या, ठीक है। तो अभी अगर आप यूके की बात करो तो भाई 99% आपका वीज़ा लगता ही लगता है, लेकिन आज एक वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, बहुत हैवी वाला रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट भी ये नहीं कि यूनिवर्सिटी ने कुछ कह दिया, उस बंदे का वीज़ा लग के रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इससे बुरी चीज़ कोई हो सकती है और उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का भी हो। दैट्स वाई मैं आज भी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं एक छोटी छोटी चीज़ें कवर कर सकूँ कि आपको कौन सी गलतियाँ हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों का वीज़ा रिजेक्शन लग सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको चलो उस बंदे की कहानी बता देता हूँ, छोटी सी कहानी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास केस आया, क्योंकि मैं खुद भी कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ। अगर किसी को भी यूके आना हो, ठीक है, तो वो मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकता है। आई नो मैं रिप्लाई थोड़ा सा लेट करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ जो सब कुछ हैंडल करता हूँ, ठीक है। बाकी जो सारा एडमिशन प्रोसेस है वो मेरी टीम हैंडल करती है, लेकिन जितने रिप्लाईज हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और टिकटॉक पे और भी कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन आप लोगों को भी पता नहीं होगा, लेकिन सीन ये कि मैं इंस्टाग्राम पे ही लोगों से बात कर सकता हूँ, उनसे रब्ता कर सकता हूँ, यानी कि अगर नंबर लेना हो, देना हो, उनको जो भी एडवाइस चाहिए हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही टच कर सकते हो। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। जिस बंदे की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, ये नहीं कि यार मैंने अगले साल आना है, मैंने उसके बाद आना है, या जो बंदे कहते हैं जी फुली फंडेड स्कॉलरशिप, तो मैं अभी फुली फंडेड के लिए हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अभी फुली फंडेड अवेलेबल नहीं है। होगी तो मैं खुद वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग यहाँ पर आ सको। पीएचडी के ऊपर थी तो मैंने लास्ट ईयर में बनाई थी, लास्ट ईयर एक डिग्री थी, एक यूनिवर्सिटी थी सॉरी, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कुछ कोर्सेज के अंदर स्कॉलरशिप है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मोस्टली आपका कम से कम यार 40 लाख का खर्चा होता ही होता है, बेशक आप बैचलर पे आओ, आप मास्टर्स पे आओ, तो आपके इतने पैसे लगते लगते हैं। अगर किसी के पास इतने पैसे हैं तो फिर ही अपना प्रोसेस शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से शुरू करो या कहीं से भी शुरू करो, जहाँ से भी कर रहे हो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, तब आप लोग यूके इजीली आ सकते हो, वरना आपके पास टेंशन ही रहेंगी, उधार ही मांगते रहोगे। तो अब सीन ये हुआ है कि यार उस बंदे ने ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि फेक लगा दिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं पूरी बात आपको खुल के नहीं बता सकता, क्योंकि किसी का क्लाइंट है, ठीक है, तो मैं किसी की बात ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो अब उस बंदे ने कुछ डॉक्यूमेंट्स फेक यूज़ किए, उसने उस बंदे को नहीं बताया, अपने कंसल्टेंट को नहीं बताया कि भाई वो डॉक्यूमेंट्स फेक थे, ठीक है। ऑब्वियसली कंसल्टेंट को तो ये होता ना कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हो, ठीक है, और आप जब लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो कंसल्टेंट के पास, तो वो आपका ही नुकसान है, आप अपनी तरफ से चालाक बनते हो। बहुत से स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि यार अहमद भाई मैं फलाना की डिग्री बना रहा हूँ, आप मेरा एडमिशन करवा दें। कोई कहता है मैं फलाना टेस्ट का आपको फेक रिजल्ट दे देता हूँ, आप मेरा एडमिशन करवा दें, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने अप्लाई कर देना है, मैंने आपका सारा कुछ कर देना है, मुझे कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने बाद में फंसना है, ठीक है। फंसना कहाँ पर है, वो जैसे ये लड़का फंसा है, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने फेक यूज़ किए, अब उसका वीज़ा लग गया, ठीक है, उसका सारा वीज़ा लग गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो उसका वीज़ा लग गया हुआ है, और इतना बड़ा क्रॉस मारा हुआ यूके वालों ने, क्यों, क्योंकि उस बंदे ने फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए। यूनिवर्सिटी को थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि भाई इस बंदे ने फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अप्लाई किए थे, पहले उन्होंने अप्रूव कर दिए, बाद में उनकी टीम को पता लगा कि इस बंदे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थोड़े फेक हैं, तो उन्होंने इतना बड़ा क्रॉस लगवा के, यानी कि रिजेक्शन लगवा के उस बंदे को भेज दिया। अब उस बंदे को मेल आ चुकी है कि उस बंदे का वीज़ा लग गया है, लेकिन फिर भी उस बंदे का वीज़ा नहीं लगा। अब देखो ना कितना बैड मोमेंट है एक बंदे के लिए, एक बंदे को देखो पूरी एक मेल आई हुई है कि भाई आपका वीज़ा ग्रांट हो गया, आके अपना वीज़ा ले जाओ, लेकिन अब सीन क्या है, उसके ऊपर कितना बड़ा क्रॉस है। अब बहुत से लोग इसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट राय देते हैं, ठीक है, कोई कहता है कि भाई तेरा वीज़ा लग गया, गलती से क्रॉस लग गया। अब कोई पागल है कि कोई इतना बड़ा वीज़ा रिजेक्ट है और उसके ऊपर इतना बड़ा क्रॉस लगा है, कौन यार इतना बड़ा क्रॉस लगाता है, कोई भी नहीं, ठीक है, किसी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, वीज़ा या तो लगता है या तो नहीं लगता है। इस बंदे का लग के रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो मेरे ख्याल में बहुत बैड सीन हुआ इस बंदे के पास। अब उससे बुरा क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बुरा ये हुआ है कि उस बंदे को अब फ़ी भी रिफंड नहीं होगी। आपका नुकसान कहाँ पर होता है कि आपको फ़ीस भी रिफंड नहीं मिलेगी, इस बंदे के सारे पैसे ज़ाया गए हैं,
हाँ IHS वगैरह शायद उसको वापस आ जाएगी, उसके अलावा उसको कोई पैसा रिफंड नहीं होगा। यूनिवर्सिटी को उसने जितनी भी फीस दी है, 4,000, 5,000, 10,000, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी के साथ घपला किया, यूनिवर्सिटी को धोखा देने की कोशिश की है, उस सूरत में यूनिवर्सिटी जो है भाई वो सारे पैसे रख लेती है, वो कुछ भी रिफंड नहीं करती। अब उस बंदे का तो कम से कम भी आप कह लो 35-40 लाख का नुकसान हुआ होगा। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने बैंक स्टेटमेंट कहीं से ली हुई या समथिंग लाइक डैट, अब उसमें वहाँ पर भी एक रिजेक्शन आता है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हम फेक यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी उनका रिजेक्शन आता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना कैश जल्दी लेने के लिए खुद उसको एडिट करने की ट्राई करते हैं, वहाँ पर आपको, मैं बेसिकली आपको रिजेक्शन के बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपको रिजेक्शन होते हैं, ठीक है। अब या तो बैंक स्टेटमेंट उस बंदे ने गलत दी, वहाँ पर उसको रिजेक्शन पड़ सकता है। दूसरा ये कि उसने खुद उसको एडिट किया होगा ताकि वो कैश जल्दी ले सके। हाँ ऐसे होता है, बहुत से कंसल्टेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कंसल्टेंट अगर वो खुद इस तरह का घपला करके करेगा तो फिर तो ऑब्वियसली एक तरह का रिजेक्शन लगता है। उस बंदे ने को वहाँ पे भी रिजेक्शन लग सकता है। उसने MOA के बेस पे अप्लाई किया था, वो अब मुझे नहीं पता कि उसने कहीं से टेस्ट करवाया नहीं करवाया, उसने कहीं से फेक बनवाया या क्या हिसाब था उसका, वहाँ पर भी उसको जो है रिजेक्शन आ सकता है। उसके बाद अगर आप लोग ने कोई इंग्लिश टेस्ट का फेक डॉक्यूमेंट बनवाया, वहाँ पर आपको रिजेक्शन लग सकता है। लाइक आपका हाइट स्कोर, आपने उसको एडिट किया हुआ, वहाँ पे आपको रिजेक्शन लग सकता है। मुझे इतने मैसेज आते हैं, यकीन मानो बहुत मैसेज आते हैं, यानी कि अगर 50 मैसेज आते हैं, 50 में से 10 या 15% लोग वही होते हैं जो कहते हैं कि जी मेरे पास फेक डॉक्यूमेंट है, मेरा अप्लाई करवा दो। अब देखो मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपके TB टेस्ट, आपका इंग्लिश टेस्ट, जो भी जितना खर्चा आना है वो आपका आना है, आपने फीस देनी है, ये चीज़ देनी है, वैसी फीस देनी है, वो सारे पैसे एट द एंड आप लोगों के ज़्यादा जाने हैं, मेरा कुछ नहीं जाना। किसी भी कंसल्टेंट के पास कहीं भी जाते हो तो भाई मेक श्योर करो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो यार ओरिजिनल प्रोवाइड करो, दो नंबरी वाला काम ना करो। आजकल इंग्लिश टेस्ट को लेकर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट यही है कि यार अपने इंग्लिश टेस्ट की तैयारी आप लोग लाजमी करो, प्लीज़ लाजमी करो। अब मैं खुद ये काम कर रहा हूँ तो यकीन मानो मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि या तो फेक बनवाओ, ठीक है, या तुम तैयारी ना करो, किसी दूसरे बंदे की हेल्प लेके इसको कर लो। हम लोग 80% ट्राई यही करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो तैयारी करके खुद करे। अब मैं खुद भी ये काम कर रहा हूँ तो मैं 80-90% स्टूडेंट को यही रिकमेंड करता हूँ कि यार टेस्ट दो, ठीक है, तैयारी करो, उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। इवन मैं खुद भी ये काम कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को खुद पूरी तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। हमने टीचर्स हायर किए हुए हैं जो आपको आर्ट्स की तैयारी करवाते हैं, PTE की तैयारी करवाते हैं, ऑक्सफोर्ड की तैयारी करवाते हैं। उसमें भी डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको बहुत अर्जेंट सर्विस चाहिए कि आपको कि यार पूरा फोकस मेरे पे ही करो, तो उस पे हम अलग-अलग चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मुझे नॉर्मल चलना है, ठीक है, मेरा भी केस थोड़ा दूर है, तो हम आपको पूरी क्लास के साथ लेके चलेंगे। और एक बैच के अंदर 3-4-5 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते, तो आपको पूरा कॉन्सनट्रेट करके पढ़ाया जाता है, ठीक है, आपकी तैयारी करवाई जाती है। अब उसमें सीन ये है कि तैयारी पे मैं क्यों इतना कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पहले एम्बेसी टेस्ट नहीं होता था, ठीक है, आप लोग इंग्लिश टेस्ट कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से क्लियर करके चले जाते थे। लेकिन अगर आपका एम्बेसी टेस्ट होता है वो इंग्लिश के अंदर होता है, तो आप लोग एम्बेसी के अंदर फंस जाते हो, स्टूडेंट जो है वो निकल जाता है, ठीक है, इंग्लिश टेस्ट के अंदर से, लेकिन एम्बेसी में जाके फंस जाता है, क्योंकि एम्बेसी में आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो क्या क्वेश्चन करेंगे, रैंडमली सारे सवाल आते हैं, तो फिर जो बच्चा एम्बेसी में फंस गया उसके पैसे भी ज़्यादा चले गए, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि भाई जो भी करो अपने फेक डॉक्यूमेंट्स जो है उसको दूर रखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करो। मैंने आपको बता दिया, बैंक स्टेटमेंट से थोड़ा सा बचो, इंग्लिश टेस्ट से बचो, ठीक है। उसके बाद जितने भी आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हो अपने कंसल्टेंट को, वो भी ओरिजिनल प्रोवाइड करो। अगर आप ओरिजिनल काम रखते हो तो 100% आपका वीज़ा लगता ही लगता है UK का, वरना रिजेक्शन के चांसेस भाई रहते ही रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को समझ आया होगा कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना। अब उस बंदे के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने अपने पैर पे खुद कलाड़ी मारी है, इतना ज़्यादा अपना नुकसान करा है, अपने घर वालों का नुकसान करा है। मुझे नहीं पता अब उसके पेरेंट्स इस चीज़ के अंदर इंक्लूड थे या नहीं थे, लेकिन स्टिल अब पैसे तो उनके डूब गए। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के पैसे भी डूबें, तो बी केयरफुल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।